कितनी आसाइशें हंसती रही हैं वानों में, कितने दर मेरी कहानी पे सदा बंद रहे। मेरे हाथों ने तो पोशाकें बिनी, रेशमी, लेकिन मेरे कपड़ों के मुकद्दर में तो पैबंद रहे। सभापति महोदय, मैं आज एक ऐसे समाज और उससे जुड़े उद्योग का दर्द आपके सामने रखने के लिए खड़ा हुआ हूं, जिसे बुनकर समाज कहा जाता है, जो अपने हाथों के उंगलियों के हुनर से धागे से धागा जोड़ता है और हमारे आपके जिस्मों के लिए लिबास बनाता है। मैं एक ऐसे उद्योग का दर्द आपको सुना रहा हूं जो कृषि के बाद इस देश में सबसे ज्यादा रोजगार सृजित करता है, चाहे महाराष्ट्र का भिवंडी हो, मालेगांव हो, इचलकरंजी हो, उत्तर प्रदेश का बनारस हो, मऊ हो, मुबारकपुर हो, टांडा हो, मेरठ हो, इलाहाबाद का मऊआयमा हो, मध्य प्रदेश का बुरहानपुर हो, बिहार का भागलपुर हो, तमिलनाडु का सेलम हो, त्रिची हो, या फिर आंध्र प्रदेश का गुंटूर हो, इन तमाम शहरों में लाखों परिवारों के घर का चूल्हा जिस उद्योग की बदौलत जलता है, वो उद्योग आज बदहाली का शिकार है। सभापति महोदय, पूरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में 60% लगभग कंट्रीब्यूशन पावर लूम इंडस्ट्री का है, लेकिन सरकार ने इस इंडस्ट्री को यतीम छोड़ दिया है, बेसहारा छोड़ दिया है। कांग्रेस की सरकार ने इसके सपोर्ट के लिए 30% कैपिटल सब्सिडी दी थी, लेकिन 2014 में जब भाजपा की सरकार आई तो उसे घटाकर 10% कर दिया और इन दिनों पिछले 6 महीने से उसे भी बंद कर रखा है। सभापति महोदय, गब्बर सिंह टैक्स यानी सरकारी भाषा में जीएसटी, धागों पर लगाई गई जीएसटी ने पूरी यार्न मार्केट को फ्लैक्चुएट कर रखा है। सभापति महोदय, यार्न मार्केट के फ्लैक्चुएशन ने यह दिखा दिया है कि उस पर सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है और यह उद्योग उसकी वजह से ज्यादा तबाह हो रहा है। चाइना से नेपाल और बांग्लादेश के रास्ते होने वाली डंपिंग ने इस उद्योग की बर्बादी में और सहायता जताई है। पूरे एशिया में सबसे ज्यादा पावर लूम भिवंडी में हुआ करता है, लेकिन सरकारी उदासीनता के बाद पिछले दिनों 2 लाख से ज्यादा पावर लूम मशीनें कबाड़ में बिक गई। सभापति महोदय, जिस बनारस में कभी करघे पर बैठ करके कबीर दास जी झीनी बीनी चदरिया बुना करते थे, उसी बनारस में आज बुनकर भाई ईंट भट्टों पर काम करने के लिए मजबूर हो गए हैं। अंत में सभापति महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि करघों के धागे टूट रहे हैं, मशीनें कबाड़ में बिक रही हैं, पावर लूम को सप्लाई होने वाली बिजली के बिलों का बोझ इतना भारी है कि बुनकरों के कंधे टूट रहे हैं। जीएसटी लगा करके सरकार ने उनकी कमर और तोड़ी है। सरकार ने जीएसटी की, आखिरी बात कह रहा हूं सभापति महोदय, सरकार ने जीएसटी की लिमिट 20 लाख रखी है। मैं अनुरोध कर रहा हूं, मांग कर रहा हूं कि जीएसटी की लिमिट कम से कम 50 लाख की जाए।